तीन तलाक का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने कई दिलचस्प दलीलें पेश की। सिब्बल ने तीन तलाक को मुस्लिमों की आस्था का मुद्दा बताते हुए उसकी तुलना भगवान राम के अयोध्या में जन्म से कर डाली। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चौथे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के चौथे दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के समर्थन में दलीलें कोर्ट के सामने रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने को लेकर हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तो तीन तलाक पर सवाल क्यों। कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रख रहे सिब्बल ने आगे कहा, मुसलमान पिछले 1400 सालों से तीन तलाक की प्रथा का पालन कर रहे हैं और ये विश्वास का मामला है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह असंवैधानिक है। आस्था का सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, अगर हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तो इस आस्था को संवैधानिक मान्यता के आधार पर सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को किसी की आस्था और विश्वास को ना तो तय करना चाहिए और ना ही उसमें दखल देनी चाहिए। जिस पर जस्टिस आरएफ नरीमन ने सिब्बल से पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जिसके जवाब में सिब्बल ने कहा, हाँ आपको नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा, पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है, इसे संविधान का संरक्षण हासिल है। क्या कोर्ट कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगा। अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए सिब्बल ने कहा, अगर निकाह और तलाक दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो दूसरों को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए, खास तौर पर तब जब इसका पालन 1400 सालों से किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने तीन तलाक अमान्य होने की स्थिति में नया कानून लाने के केंद्र के बयान पर भी सवाल उठाए। सोमवार को केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर अदालत तीन तलाक को अमान्य करार दे देती है तो वह मुस्लिमों के लिए नया कानून लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और आइए अब सुनते हैं कपिल सिब्बल की दलीलों पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उस पर सुनवाई कर रही है और बाहर भी, कोर्ट के बाहर भी इस पर बहुत सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो रही है। और हम मानते हैं कि यह देश हमारा सुधार का देश है, ये देश हमारा रिफॉर्म का देश है और समय समय पर सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति रिफॉर्म की दिशा में देश आगे बढ़ा है। हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में भी, रिफॉर्म की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। आई थिंक द मैटर इज सब जुडिस एंड करंटली द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग इट। And we should, I think, wait for the Supreme Court to take a decision rather than comment on a hypothetical situation where the Supreme Court completely outlaws all forms of talaq under the Muslim personal law. In that case, obviously the government will have to bring in a uniform code which is applicable to Muslims also. But my key point is that at this moment, any comment should be kept in abeyance because the matter is under the active consideration of the Supreme Court. ये तीन जो विषय है, ट्रिपल तलाक है, पॉलीगेमी है, हलाला तलाक हलाला है, ये सारे जुड़ी हुई बातें हैं और ये सारी बातें जो है मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाली है। और एक देश में रहते हुए एक कानून होना चाहिए, किसी भी महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर क्यों न हो, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। हर एक महिला को इस देश में न्याय मिलना चाहिए।